साथ में जानेंगे लखनऊ शहर से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता। लखनऊ शहर भारत का दूसरा खुशियों का शहर है। ये शहर अपने मेहमान नवाजी के लिए बेहद मशहूर है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे खाने से लेकर पहनने तक काफी वैरायटी मिलते हैं। ये शहर भारत का एक अहम शहर है। आगे इस वीडियो में हम लोग लखनऊ शहर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है और उत्तर प्रदेश का राजधानी शहर है लखनऊ। लखनऊ सिर्फ उत्तर प्रदेश का राजधानी शहर ही नहीं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। लखनऊ भारत का एक पुराना शहर है। 18th और 19th सेंचुरी में लखनऊ भारत की राजनीति की एक अहम शहर हुआ करता था। तब की भारत की केंद्र स्थल लखनऊ को माना जाता था। लखनऊ अपने पुराने ऐतिहासिक इमारत के साथ साथ एक अहम मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में भी उभर कर सामने आया है। शहर के अंदर बहुत सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई राइज स्काईलाइन, मॉल्स, पार्क्स, फ्लाईओवर देखने के लिए मिलते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी है और साथ में भारत का 11 मोस्ट पॉपुलर शहर। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की कुल आबादी है 28 लाख। चलिए लखनऊ की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। लखनऊ का नाम पहले लखनपुर हुआ करता था, बाद में लखनपुर से लखनऊ नाम रखा गया है। लखनऊ इमामबाड़ा सन 1784 में बनवाया गया था। इस इमामबाड़ा का हॉल एशिया महादेश का सबसे बड़ा हॉल है। कहा जाता है इसके छत पे जाने के लिए तो आपको हजारों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। लखनऊ के नजा बाजार भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी मार्केट है। यहाँ पे आईटी के और कंप्यूटर के सामान मिलते हैं। लखनऊ शहर को हैप्पी सिटी कहा जाता है, मतलब खुशियों का शहर। लखनऊ में रहने वाले लोग हमेशा ही खुश रहता है, इसलिए लखनऊ को भारत का दूसरा खुशियों का शहर खिताब मिला है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। सन 1700 और 1800 में यहाँ पे नवाबों का शासन हुआ करता था। आज भी आपको लखनऊ शहर में पुरानी इमारतें, मोनूमेंट, रूमी दरवाजे देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको नवाबी शासन काल का याद दिलाएगा। पुराने लखनऊ यानी चौक में स्थित रूमी दरवाजे को तुर्की गेट के तौर पर जाने जाता है। इसे ये नाम इसलिए मिला, इसे रोम के शिल्पकार ने बनवाया था। लखनऊ में मौजूद हुसैनबाद क्लॉक टावर भारत का सबसे ऊंचे क्लॉक टावर है। इसे 1881 में नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। इस क्लॉक टावर को लंदन के बिग बेन टावर से इंस्पायर होकर बनवाया गया था। लखनऊ के दिल हसरतगंज में आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सारे वायर्स को अंडरग्राउंड से ले जाया गया है। क्या आपको पता है लखनऊ में सबसे ज्यादा सिया मुस्लिम रहते हैं कम्पेयर टू एनी अदर इंडियन स्टेट्स। लखनऊ की बात हो रहा है और खाने की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लखनऊ में कई तरह के वैरायटी स्ट्रीट फूड्स मिलता है, जिनमें से चिकन कबाब, जलेबी, तंदूरी कबाब, निहारी एंड कुलचा और भी कई सारे मुंह में पानी आ देने वाला खाना आपको लखनऊ के हर गलियों में मिल जाएगा। लखनऊ में बिरयानी भी बहुत फेमस है। नवाबी स्टाइल का बिरयानी लखनऊ में जरूर ट्राई करिए। लखनऊ शहर 94,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल है शहर के डिफरेंट एरिया में। लखनऊ रेलवे स्टेशन भारत का ब्यास रेलवे स्टेशन में से एक है। लखनऊ वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है और भारत का 17 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। लखनऊ भारत का धनी शहर की लिस्ट में भी 15 नंबर पर आते हैं। लखनऊ के सालाना जीडीपी है 22 बिलियन USD। लखनऊ में कई सारे बड़ी बड़ी पार्क मौजूद है। लखनऊ की गणेश्वर पार्क एशिया महादेश का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है। इसे 6 अगस्त 2012 में बनाना शुरू हुआ और 5 अगस्त 2014 में सबके लिए खोला गया। लंदन के हाइट पार्क से इंस्पायर होकर ही इस पार्क को बनाया गया है। करीब 376 एकड़ में फैला हुआ है यह पार्क। एडुकेशन, शहर में ज्यादातर लोग शिक्षित है। यहाँ के लिटरेसी रेट है 77.29%। ट्रांसपोर्टेशन, लखनऊ में एसी और नॉन एसी, लोकल बस, टैक्सी, ऑटोस और लोकल ट्रेन से कनेक्टेड है शहर। लखनऊ में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो भी चलते हैं।
5 सितंबर 2017 में लखनऊ को अपना पहला मेट्रो मिला था। और क्या आपको पता है, ये भारत का सबसे जल्दी बनने वाला मेट्रो है। लखनऊ एयरपोर्ट से भी कनेक्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफी सारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भरते हैं। दोस्तों, लखनऊ शहर से जुड़े हुए कई सारे बातें शायद मुझसे छूट गए हैं, कमेंट करके मुझे जरूर याद दिला देना। लखनऊ शहर मशहूर है अपने मेहमान नवाजी के लिए। अगर आप अभी तक लखनऊ शहर नहीं आए तो जरूर आइए और शहर को अपने आंखों से देखिए। यहाँ के लेलाजीज खाने का मजे लीजिए, पुराने ऐतिहासिक इमारतें और आर्ट को देखकर नवाबी जमाने में होने का महसूस करें और लखनऊ के लोगों का मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो न्यू वीडियोस के लिए। आप चैनल को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हो, काफी सारी न्यू वीडियोस वहां पर भी अपलोड करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद। Bus stand.